Did you know that using a laptop on your lap could affect your sperm count? स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी देखी जानी चाहिए. स्पर्म्स की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी. आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष पांचपन के बारे में. यदि किसी पुरुष के एक साल तक लगातार कोशिश करने के बाद भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती है तो इसे मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं. यदि आंकड़ों की बात करें तो एक तिहाई बांझ दंपतियों में यह समस्या पुरुष में पाई जाती है. पुरुषों में निसंतानता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो बॉडी में, या जेनेटिक कॉजेज यानी कि टेस्टिस के फंक्शन में जेनेटिक कोई डिफेक्ट आ रहा हो, या लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, या फिर कुछ मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हो जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, या फिर आपके एनवायरमेंटल में कोई एक्सपोजर हो जैसे हीट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, पेस्टिसाइड का एक्सपोजर हो, या आपकी डेली लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो, तो ये सब कारण भी हो सकते हैं जिससे आपके शुक्राणु बराबर नहीं बन रहे हों. तो इसीलिए शुक्राणुओं की जांच कराना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत मेजर यानी कि लगभग 50% केसेज ऑफ इनफर्टिलिटी में कारण होते हैं. जब पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या सामान्य होती है तब जाकर प्रेगनेंसी होती है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में. सामान्यतः हम जब भी टेस्ट करते हैं तो हम शुक्राणुओं की सिर्फ संख्या के बारे में बात करते हैं. अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके सीमन टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुक्राणु की संख्या, स्पर्म्स के नंबर, इसके साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणुओं की बनावट संरचना, जी हाँ स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी देखी जानी चाहिए. तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप किसी नॉर्मल पैथोलॉजी लैब की बजाय किसी IVF सेंटर के एम्ब्रियोलॉजिस्ट से अगर आप अपना सीमन टेस्ट कराते हैं तो वो अपने लिए ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ, तो अगर कई बार सामान्यतः जो WHO के क्राइटेरिया से उस कई तरीके के अलग अलग टेस्ट होते हैं, सीमन टेस्ट, जिसमें अलग अलग वैल्यूज दी जाती हैं, तो जो सामान्यतः होता है तो स्पर्म्स की संख्या नॉर्मल होना, उनमें गतिशील शुक्राणु होना और उन शुक्राणु की संरचना बनावट अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कई बार पुरुषों को लगता है कि हमारे शुक्राणुओं में कमी है या बिल्कुल जीरो, ना के बराबर है, तो हमें पिता नहीं बन सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसके लिए हम सबसे पहले उनके कुछ हार्मोन के टेस्ट करते हैं. कई बार ऐसा होता है पुरुषों के अंदर कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं निकल पाते. जी हाँ, जैसे महिलाओं में कई बार ट्यूब बंद होना या ब्लॉक होना देखा जाता है, उसी तरीके से कई बार स्पर्म्स जो कि नली होती है, जो स्पर्म्स को अंडकोश से, जी हाँ टेस्टिस से सीमन में लेके जाती है, ट्यूब बंद होती है, ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती क्योंकि वीर्य में शुक्राणु की संख्या जीरो होती है. तो ऐसे में हम हार्मोन के टेस्ट करते हैं और इसे पता करते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. फिर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं टीसा. जो टीसा के थ्रू हम क्या करते हैं, पुरुषों को बेहोश करके टेस्टिस के अंदर से एक फाइन नीडल से स्पर्म्स रिट्रीव कर लेते हैं. जी हाँ, अंडकोशीय शुक्राणु निकाल लिए जाते हैं और फिर उन स्पर्म्स को हम लैब में महिलाओं के अंडों के द्वारा फर्टिलाइज करके भ्रूण बना के फिर उनके महिलाओं के यूट्रस में उसको प्रत्यारोपण किया जाता है. तो इस तरीके से वीर्य में शुक्राणु की संख्या जीरो होते हुए भी वे खुद के शुक्राणु से पिता बन सकते हैं. स्पर्म्स की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए. एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा सही तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट. तो मैं बात करती हूँ कि क्या चीजों को लेकर हमें ध्यान देना चाहिए. अगर आपके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है, गतिशील शुक्राणु कम है, या उनकी संरचना अच्छी नहीं है, या आप इवन बच्चा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जैसे महिलाओं को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस तरीके से पुरुषों को भी ये प्रिकॉशन लेना चाहिए. उसके लिए बहुत ज्यादा टाइट अंडरगार्मेंट्स न पहने, बहुत ज्यादा गर्म पानी से
न नहाएं, लैपटॉप मोबाइल का यूज बहुत कम करें, स्पेशली जो किसान पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं, जो लोग गर्म भट्टी में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह, जो दूसरे आईटी पर्सन बहुत ज्यादा लैपटॉप के साथ यूज करते हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से स्पर्म की संख्याएं कम हो जाती हैं, तो इस वजह से उनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या, गतिशील शुक्राणु की तेजी से कमी होनी देखा जाता है। तो कृपया करके इन चीजों से आप बचें। और खान पान पे स्पेशली क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमें खूब ज्यादा हरी सब्जियां, अंकुरित दालें, सलाद, फल फ्रूट और स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि एवोकाडो, चिया सीड, पम्पकिन सीड, अखरोट, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, तो ये आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। Did you know that using a laptop on your lap could affect your sperm count? Laptops can get hot, and that heat can raise the temperature around your scrotum where your sperm is produced. Higher scrotal temperature means lower sperm count, their ability to move will be affected, as well as their shape could be affected. You can prevent this from happening by using a simple desk or a cooling pad, thereby keeping a safe distance and allowing air circulation and in maintaining a healthier scrotal temperature. For more such information, follow the Indira IVF channel. For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.